सभी दोस्तों को नमस्कार जी। आज एक बार फिर से राज डेयरी फार्म से 10 भैंसधारी अपनी आंध्र प्रदेश प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट कंदकुरु में, 10 भैंस जाएगी पूना महाराष्ट्र में और 10 गायें जाएगी अपनी सोलापुर में। तो आज सामने गाड़ी लगी हुई है, आप देख भी सकते हैं। तो अभी ये आंध्र प्रदेश के लिए लोडिंग करेंगे। तो जितने भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, आज की जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं राज डेयरी फार्म गाँव मिंगनीखेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से, तो किसान भाइयों को हर भैंस का रेट बताएंगे। देखो जी, अपना सेल परचेज का काम है, तो हर वीडियो में हम रेट बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो महाराष्ट्र के भाई है, कौन सी भी जगह के हो, उनको पता चले कि हरियाणा में इस रेट में ऐसी भैंसें आ रही है। तो एक नंबर की जो झोटी है, अभी मौके पे 16 लीटर दूध तैयार है और 1,18,000 रुपए की दी है भाई साहब को। बिल्कुल छोटे सींग की हाइट, लंबाई, ऊंचाई, जो फेस वैल्यू है झोटी की, आप देख सकते हैं जी। और एक बार मैं खोल के और दिखाऊंगा आपको, ये देखिए जी, अभी मौके पे 16 लीटर दूध प्यार है, 1,18,000 रुपए की दी है ये, देख ले जी। और अभी लगभग 6-7 दिन की ब्याई हो रही है, अभी थोड़ी नई नई आई है ना। ये 1,18,000 रुपए की दी है, ये अगले वाली भैंस दी है जी 1,10,000 रुपए की, अभी 16 लीटर दूध तैयार है इसमें, ये देखिए 1,10,000 रुपए की। ये भैंस दी है जी 1,08,000 रुपए की, अभी मौके पे 15 किलो दूध तैयार है जी इसमें, दूसरे ब्यात की है ये। अगले वाली दी है 1,04,000 रुपए की जी, देख लें आप। और इसमें अभी 11-12 किलो दूध तैयार है, 4-5 दिन की ब्याई है ये बच्चा इसका, ये देखिए। और अगले वाली दी है 1,04,000 रुपए की, ये भी ताजी ब्याई है बिल्कुल। और ये भैंस दी है जी 1,07,000 रुपए की, 16 किलो दूध अभी तैयार है इसमें, तीसरे ब्यात की है ये देखिए। ये भैंस दी है 1,05,000 रुपए की, चिक से बोड़ से खाली होके अभी 12-13 लीटर दूध स्टार्टिंग है इसमें, 1,05,000 रुपए की, 16-17 किलो दूध आराम से निकाल देगी। ये मीनी भैंस है जी, नीचे सींग है दोनों इसके और पुट्ठा बहुत बढ़िया है जी, चिक से खाली है अभी, 16 लीटर दूध की इसकी कैपेसिटी है, 1,04,000 रुपए की दी है ये देख ले। और आगे ये भैंस दी है 93,000 रुपए की, अभी 16 किलो दूध तैयार है जी, तीसरे ब्यांत की है ये बच्चा, खुद पकड़े हुए। ये भैंस दी है 93,000 रुपए की और ये इसका बच्चा है जी, चिक से खाली है, 93,000 रुपए की ये भैंस दी है। तो ये 10 भैंस आ रही है अपनी आंध्र प्रदेश प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट कंदकुरु में, और अभी जो 3 भैंसी आज की है, ये जाएगी पूना 10 भैंस की गाड़ी। ये भैंस दी है 1,03,000 रुपए की, अभी 16 किलो दूध तैयार है जी इसमें, बहुत बड़ी भैंस है 1,03,000 की। ये झोटी दी है दूसरे ब्यांत की, 14 लीटर दूध तैयार है बिल्कुल, 97,000 रुपए की ये झोटी दी है जी, 97,000 रुपए की। ये भैंस दी है जी 1,08,000 रुपए की, 14 लीटर दूध तैयार है बिल्कुल, और वो बच्चा है जी 17-18 किलो दूध आराम से निकालेगी झोटी। थोड़ी खा पी कम रही है, एक बार थोड़ी नई नई आई है किसान के घर से। और ये जो गायें दिख रही है आप, ये 10 गायें जा रही है अपनी सोलापुर में, अभी लगभग 6-7 गायें आ गई है, सभी जो प्रेग्नेंट गायें हैं 7-8, 8.5 महीने तक की। और सबसे जो ये बच्चिया 15 दिन में बच्चा देगी, फर्स्ट बार की है, लगभग 42,000 से लेकर 55,000 रुपए तक की ये सभी गायें हैं। तो आज की जो छोटी सी वीडियो लेके आए राज डेयरी फार्म से, तो रेट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। और किसी भाई साहब को अच्छी भैंस लेनी हो, आप आए राज डेयरी फार्म पे, 2-3 टाइम चुवाई करें भैंसों की, जो सी पसंद आए वो आप लेके जा सकते हैं जी। और महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सोलापुर, कौन से भी एरिया में 2-4 भैंस लेनी हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और राज डेयरी फार्म का जो एड्रेस है, गांव मिंगनीखेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में है। और आप आए 2-3 टाइम चुवाई करें भैंसों की, जो सी पसंद आए वो आप लेके जा सकते हैं जी। तो रेट हमने जरूर बताया आपको, ये 10 भैंसे जा रही है प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट कंदकुरु में, इनके गाँव में पहले अपनी 30 भैंस गई थी, उन्हीं को देख के ये दोबारा ये भैंस चल रही है। तो 90% अपना काम ऑनलाइन का है जी,
बहुत भाई देखो सहयोग दे रहे हैं, अच्छी भैंस गाय दे रहे हैं तभी बार बार आ रहे हैं। और वो गाय वो भैंस जो जा रही है, पहले भी भैंस खरीदी उन्होंने, अभी ऑनलाइन मंगा रहे हैं। और ये जो गाय जा रही है, अभी पहले 70 गाय गई इनके पास में और अभी 8वीं गाड़ी है 10 गायों की। तो जी देखो बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर गलती हो जाती है उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है जी, कैसी लगी छोटी सी वीडियो राज डेयरी फार्म से कमेंट में आप जरूर बताएं। रेट भी बताया हमने भैंसों का, तो किसी को देनी हो आप आए। ठीक है, सभी को राम राम, नमस्कार।